वीडियो में आपके लिए बहुत ही खास लेके आया हूँ, इसे जरा पूरी देखिए। आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि 15 लाख रुपए की सच्चाई क्या है। आप सोच रहे होंगे कौन से 15 लाख रुपए की बात कर रहे हैं। जैसा कि आपने बहुत ही देखा होगा इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पे ये आया था कि 15 लाख रुपए प्रत्येक जन के खाते में आएंगे। तो इसकी सच्चाई बताऊंगा कि क्या हमारे प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी ने ऐसी बात कब कही थी और क्या कहा था, ऐसी बात कही भी थी या नहीं कही थी, इसकी सच्चाई बताऊंगा। और इसके बाद मैं विपक्ष की बात करूंगा कि राहुल गांधी ने उनके लिए संसद में क्या कहा था और उन्होंने क्या बयान दिया था, और उनके खुद के पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह की भी बात बताऊंगा कि उन्होंने क्या कहा था इसके ऊपर। सबसे पहले मैं आपको राहुल गांधी की एक वीडियो बताता हूँ, जिसे जरा गौर से देखिए। जुमला नंबर एक, जुमला स्ट्राइक नंबर एक, 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में। इसमें आपने देखा कि क्या बोल रहे हैं राहुल गांधी, और कि बोल रहे हैं कि जुमला नंबर पहला कि 15 लाख रुपए प्रत्येक जन के खाते में अभी तक नहीं आए। ठीक है, अब मैं आपको एक अमित शाह की वीडियो दिखाता हूँ, इसे भी जरा गौर से देखिए। जुमला है, किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपया कभी नहीं जाता, वो उनको भी मालूम है और आपको भी मालूम है, देश की जनता को भी मालूम। जैसा कि अमित शाह की वीडियो आपने देखी थी, और इसमें अमित शाह कह रहे हैं कि एक ये चुनावी जुमला है जो जनता को भी समझना चाहिए और राजनेता को भी समझना चाहिए। दोस्तों अब मैं आपको एक वीडियो बताता हूँ जहाँ से ये सबसे पहले ये बात प्रारंभ हुई थी। 13 नवंबर 2013 छत्तीसगढ़ की एक रैली थी जहाँ नरेंद्र मोदी रैली कर रहे थे। उस रैली में उन्होंने क्या कहा था, इसे जरा गौर से सुनिए, और उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि क्या बात हुई थी और क्या नहीं हुई थी। मेरे कांकेर के भाइयों बहनों, मुझे बताइए कि हमारी चोरी किया हुआ पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, ये काला धन वापस आना चाहिए, ये चोर लुटेरों से एक एक रुपया वापस लेना चाहिए, इस रुपयों पर जनता का अधिकार है कि नहीं है, ये रुपया जनता के काम आना चाहिए। अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा, इतने रुपये। जैसा कि दोस्तों आपने नरेंद्र मोदी की छत्तीसगढ़ की रैली देखी होगी, इसमें आपने गौर से देखी इस वीडियो में नरेंद्र मोदी यही बात कह रहे हैं कि जो हमारी सरकार जीत के आती है अगर, तो हम विदेश में जो काला धन पड़ा है हुआ है उसे हम लेकर आएंगे, और वो इतना काला धन है कि एक एक जने के खाते में 15-15 लाख 20-20 लाख रुपए आए तो भी बहुत ही ज्यादा है। तो आपने देखा कि क्या स्टेटमेंट था और किस इस स्टेटमेंट को किस प्रकार तोड़ मड़ो के लोगों ने फैलाया सोशल मीडिया के द्वारा। तो आपको मैं सजेस्ट करता हूं कि एक बार पूरी वीडियो देखें और फिर उस वीडियो का एनालिसिस करने के बाद उसे आप फैलाएं। एक बात और बता देता हूं कि कोई भी नेता या राजनीतिक पार्टी इस प्रकार का जुमला नहीं दे सकती है या उस प्रकार का स्टेटमेंट नहीं दे सकती कि प्रत्येक व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपए आएंगे, क्योंकि चुनाव आयोग बहुत सख्त होता है जो इसके ऊपर कदम उठा सकता है और इसके ऊपर कार्रवाई कर सकता है।